बिलावल, मीरे कार बा बिलावल, जुड़त का निशा बिलावल, मौजे रवा बिलावल, अपना रहनुमा बिलावल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिश अराई और मैं हूं ताबिश मीर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मुल्क की मौजूदा हालात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुल्क के मौजूदा हालात के साथ साथ जो पॉलिसीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है आयद की गई हैं, जो पॉलिसीज़ जो हैं बनाई गई हैं, उन तमाम पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ एहतजाज का ऐलान किया गया है। 27 फरवरी से जो है कराची से एक बड़े एहतजाज का जो है ऐलान किया गया है। लॉन्ग मार्च के हवाले से तमाम तर तैयारियाँ की जा रही हैं। दूसरी जानिब आज जो हैपनिंग हुई है, आज जो तैयारियाँ की गई हैं 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च के हवाले से, उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। और जो तैयारियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जारी हैं बिलखसूस पूरे सूबे में और इसके साथ पूरे मुल्क में, उस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज कौन कौन से अहम जो हैं इवेंट्स हुए और कौन कौन सी अहम तकारीब हुई, उस हवाले से डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मेरे साथी एंकर दानिश अराई साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे तमाम तर चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। आज जो है हम देख रहे हैं काफ़ी मसरूफ़ नज़र आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की मौजूदा पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जिस तरह दीगर अपोजिशन जो है नज़र आ रही है और दीगर अपोजिशन मुतारिक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अहम किरदार है पूरे सूबे के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह जो है आवाम को मोबिलाइज़ कर रही है, एक जानब आवाम को मोबिलाइज़ किया जा रहा है, लॉन्ग मार्च की तैयारियां की जा रही हैं, दूसरी जानब हम देख रहे हैं हुकूमत के इत्तेहादियों से रबते किए जा रहे हैं और इत्तेहादियों से रबते के हवाले से भी ये इतलात मिल रही हैं कि जो रबते हैं वो काफ़ी कामयाब हो रहे हैं। अदम एतमाद के हवाले से बात की जा रही है। PDM भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस मौक़िफ़ को सराह रही है जो आज से एक साल पहले जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ रखा था, बिलावल भुट्टो ने जो एक साल पहले मौक़िफ़ रखा था, उस हवाले से तमाम तर चीज़ों के हवाले से जो है तमाम तर तैयारियां की जा रही हैं। कैसे समझते हैं आज जो हैपनिंग रही बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से, आज जो तंजीमें जो है तंजीमों के साथ जो मुलाकात की गई, दीगर जो कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तलबा यूनियन थी उनसे मुलाकात की गई और ये तमाम चीज़ें रहीं, इसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल ताबिश, ये एक मूवमेंट है और मूवमेंट के लिए जो है मूवमेंट करनी पड़ती है। अब पीपल्स पार्टी अगर मूवमेंट करेगी तो इसको अचीव कर सकेगी। लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, वर्कर्स हैं, ऑफिशल्स हैं, पार्टी के अलावा लोग हैं, इत्तेहादियों से रबते किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के इत्तेहादियों से रबते किए जा रहे हैं। जाहिर है वो भी एक नुमाइंदे हैं, उन्हें अपने हलके में जाना होता है, हलके में जाएंगे तो आवाम का रद्द अमल देखना पड़ेगा क्योंकि रद्द अमल बहुत ख़राब आ रहा है। ख़राब इस सेंस में कि महंगाई खाना पीना चीज़ें हर चीज़ आपकी जो है इफ़ेक्ट हो चुकी हैं। जब सब कुछ अफेक्ट हो गया तो आम आवाम वोटर तो आपका आम आवाम है, आम आवाम के में आप जब जाएंगे तो आप किस उसको लेके जाएंगे बयानिए को कि सर हमने आपके लिए ये किया है। आवाम तो कहेगी आपने हमें तो रोटी से हमारा खाने पीने से मजबूर कर दिया। ये सब ठीक है आपने कि जिस तरह की पॉलिसीज हैं उस पॉलिसी के खिलाफ तमाम अपोजिशन जो है मुतारिक है। बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो उनकी जानिब से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है। 27 फरवरी से लॉन्ग मार्च के हवाले से जो है तैयारियां की जा रही हैं। सिलसिले में हमें ज्वाइन किया है जावेद नायाब लागारी साहब ने, जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स यूथ हैं और स्पेशल असिस्टेंट टू CM है। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर जो आज तैयारियां हुई चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो अपनी पाकिस्तान पीपल्स यूथ जो है उससे मुलाकातें की और तमाम मोबिलाइजिंग के हवाले से और तैयारियों के हवाले से क्या ऐसी अहम जो हैं हिदायत दी, इस हवाले से सबसे पहले बताइएगा। जैसे दानिश भाई, तो ये पाकिस्तान पीपल्स ने पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जी। और आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने कराची डिवीजन की पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कॉल की थी और उसमें हमारे पीपल्स यूथ कराची डिवीजन के सदर ने वहां पे शिरकत की थी। और इससे पहले चेयरमैन साहब ने सिंध एग्जीक्यूटिव की मीटिंग कॉल की थी और उसमें हम लोग मौजूद थे। और तैयारियां भरपूर हैं, जोर शोर से हैं पूरे सिंध में, हर जिले और तहसील लेवल तक, PS लेवल तक जो है मोबिलाइजेशन कैंपेन जारी है। प्रेसिडेंट सिंध निसार खोड़ो साहब ने भी मीटिंगें की हैं और हमने अपनी पीपल्स यूथ सिंध की और डिवीजन की मीटिंगें कर चुके हैं। भरपूर तैयारी है, लोग मोबिलाइज हो चुके हैं, कारकुनान बड़े जोश और खरोश से काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जितने जो रूट पे जितने भी शहर आ रहे हैं उनको सिंगारा जा रहा है, उनको पैनल और हमारे झंडों के साथ, और भरपूर तैयारी है। अलहमदुलिल्लाह
अच्छा सर, मेरा सवाल यह है कि पीपल्स यूथ तो एक्टिव हो गई है, पीपल्स यूथ ने जो है फाइनेंशली जो सपोर्ट करनी है अपने वर्कर्स को लेके जाने के लिए, मतलब एक मेजर जो है वो आपका जो है खर्चा आएगा जो ट्रैवलिंग है, इस सिलसिले में पीपल्स यूथ क्या नौजवानों के लिए कर रही है, मतलब मोबिलाइज करने के लिए अब यूथ के लड़ों? देखें, हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि हम बिलीव करते हैं डोनेशन पे, जो हमारा इंटरनल हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो इंस्टीट्यूट है उसमें, और सारे हमारे जितने भी अहदेदार हैं वो अपनी मदद आपके तहत भरपूर तैयारी में हैं। हर जिले में हमने जो मोबिलाइजेशन कैंपेन की है उसमें हमने दोस्तों को यही कहा है कि अपनी मदद आपके तहत सारे दोस्त निकलें, हमारे पास जितने भी अपने वसायल हैं अपने रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके हम इंशाल्लाह। जैसे मतलब आप कह रहे हैं कि ये लोग अपनी परेशानियों की वजह से निकल रहे हैं, इस पे कोई बर्डन किसी पे नहीं है, कोई फोर्स नहीं है पीपल्स पार्टी के, ये लोग निकल रहे हैं खुद ब खुद, लोग निकल रहे हैं, न सिर्फ हमारे कारकुनान लेकिन जनरल पब्लिक जो कि इस हुकूमत से बहुत ज्यादा नाला है, बहुत ज्यादा खफा है, और आवाम जाहिर मजबूर हो चुके हैं कि वो महंगाई इतनी है कि बिजली के बिल नहीं अदा कर पा रहे, बच्चों के स्कूल की फीस नहीं दे सके, और महंगाई दिन ब दिन, कल भी बिजली 3 रुपए यूनिट बढ़ा दी गई है, पेट्रोल प्राइस आपके सामने है, आटा मिल नहीं रहा, चीनी माफिया के हाथों में चली गई, तो मुल्क के हालात ऐसे हैं कि चेयरमैन साहब सिर्फ क्यादत करेंगे और लीड करेंगे, बाकी आवाम खुद खुद उनके पीछे निकलेंगे, और इंशाल्लाह ताला जब ये काफिला पहुंचेगा इस्लामाबाद तो इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके होंगे। अच्छा, ये एक चीज हम देख रहे हैं कि आप यूथ के जो हैं प्रेसिडेंट हैं पीपल्स यूथ के, तो जो यूथ होगी उसमें कितना जज्बा पाया जा रहा है, एक क्योंकि हम देख रहे हैं ये एक जद्दोजहद है और हर जद्दोजहद में जो नौजवान होते हैं उनका एक अहम किरदार होता है, तो इस मरतबा जो पीपल्स यूथ के रजाकार हैं कारकुनान हैं उनमें क्या जज्बा पाया जा रहा है? देखें, बेहतरीन सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि जो हमारी पीपल्स यूथ की एफिलिएटेड विंग्स हैं उसमें सबसे ज्यादा जोश और खरोश पीपल्स यूथ में पाया जा रहा है, और हमने पिछले दिनों हर डिविजनल हेडक्वार्टर में एहतजाज की कॉल दी थी और मीटिंग भी की थी, तो उसमें आपने देखा कि कराची प्रेस क्लब में मेरे ख्याल में पीपल्स यूथ की तारीख का सबसे बड़ा मुजाहरा था वो, और हजारों की तादाद में नौजवान पूरे कराची से वहां पे जमा हुए थे। इसी तरह हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने, सखर प्रेस क्लब के सामने, शहीद बेनजीराबाद प्रेस क्लब के सामने और लाड़काना प्रेस क्लब के सामने हजारों की तादाद में नौजवान निकले थे, और ये इस बात की गवाही है कि पीपल्स यूथ में जो है नौजवानों की कसीर तादाद शामिल हो रही है, और हमने अपने हिसाब से तैयारियां की हैं, हमने टेंट भी खरीदे हैं, हमने मच्छरदानियां भी खरीदी हैं, हमने अपनी जो जरूरी अशियाएं हैं जो सफर में चाहिए होती हैं इंसान को वो हमने सारी खरीदी हैं, और आपके सामने है कि सर ये बताएं कि नौजवान जो है हमारे उनके मसाइल क्या हैं जिसकी वजह से जो है आपके साथ शिरकत कर रहे हैं वो इतने लंबे सफर के लिए, जिसमें जाहिर है कि अग्रेसिव गवर्नमेंट भी है जो अपोजिशन हुकूमती अरकान बयान भी दे रहे हैं, तो इसकी मतलब आपके जिद्दोजहद में ये लोग क्या क्यों शामिल हो रहे हैं, इनके मसाइल क्या हैं? देखें, पाकिस्तान की 65% जो है पॉपुलेशन का हिस्सा नौजवानों पे मिल, और इस हुकूमत में तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो नौजवानों को ही पहुंचा है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी जो है वो उसने हिट किया है नौजवान तबके को, और करोड़ों की तादाद में नौजवान जो है वो अपना रोजगार उसे जो है निकल चुके हैं, और करोड़ों की तादाद में बेरोजगार किए गए हैं पिछले 3 सालों में, तो उस वजह से नौजवान निकले हैं रोडों पे, और तालीम का जो जेवर है वो भी बड़ा मुश्किल कर दिया गया है इस हुकूमत में, तो नौजवान जो है वो इंशाल्लाह बड़ी तादाद में मजीद निकलेंगे, और अभी तो कुछ दिन पड़े हैं मोबिलाइजेशन हमारी। अच्छा, आपका एक मैंने नारा देखा है अपना बोरिया बिस्तर अपने साथ, मशहूर भी हुआ है काफी चल भी रहा है, तो ये अपना बोरिया बिस्तर के साथ आप भी साथ हैं शामिल हैं सलार हैं, क्योंकि आप नौजवानों के बिल्कुल जाहिर है मैं कारकुन हूँ और एक वर्कर हूँ, और अपने दोस्तों के साथ अपने कारकुनान के साथ अपने जेलों के साथ हमने बोरिया बिस्तर बांध लिया है, हमने टेंट भी खरीदे हैं, और वो इंशाल्लाह उन टेंटों में रोडों पे रस्तों में हमारी रातें गुजरेंगी, और इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के संग हम इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज आपने कही, आपने एक बात कही कि साथियों को मोबिलाइज किया जा रहा है और बात की जाए, अगर हमने उनको ये भी हिदायत की है कि अपनी मदद आपके तहत, तो अगर नौजवानों की बात की जाए तो यूथ जो होती है वो जो पॉकेट मनी उन्हें मिलती है वो तो काफी कम होती है, तो फिर वो अपनी मदद आपके तहत, ये इस हवाले से जरा बताएंगे? देखें, मैंने जैसे कहा कि अपनी मदद आपके तहत मीन्स जो उनकी पॉकेट मनी है, जो वो थोड़ा बहुत कमाते भी हैं, कुछ दिन वो ड्यूटी भी करते हैं, कुछ काम काज भी करते हैं, तो उसमें से वो पोर्शन निकाल के और वो ये 10-12 दिन जो है वो जमहूरियत की राह में निकलेंगे,
और बड़े एक्साइटेड हैं और इंकरेजमेंट हमें मिल रही है हमारी यूथ को देख के वो इतनी मोबिलाइज हो चुकी है और आपके सामने है कि मोबिलाइजेशन एक्टिविटीज हर पीएस में हर तालुका तहसील लेवल तक पीपल यूथ के। अच्छा आपने एक बात कही कि 10-12 दिन तो कितने वक्त जो है दिनों का सफर होगा, क्योंकि आपने कहा कि 10-12 दिन तो यूथ को क्या यही बताया 10-12 दिन के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं कि तवील हो सकते हैं क्योंकि जद्दोजहद तो काफी तवील होती है, तो ये कितने दिनों तक की लॉन्ग मार्च है इस हवाले से? हम तो तैयार है ना, जब तक की चेयरमैन साहब का हुक्म है हम तैयार है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड टाइम शेड्यूल हमें यही लग रहा है क्योंकि जब हम कराची से निकलेंगे और इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो कोई 10-12 दिन तो लग ही जाएंगे क्योंकि आप चेयरमैन साहब के इस्तकबाल जो है वो बहुत बड़े होंगे और लाखों की तादाद में लोग हर स्टॉप पे जहाँ जहाँ से वो गुजर रहे होंगे तो वहाँ पे जाहिर वो स्पीचेस भी कर रहे होंगे, वो क्राउड को एड्रेस भी करेंगे। इस वजह से हम समझते हैं कि ये कम अज कम 10-12 दिन तो जरूर लगेंगे इस्लामाबाद तक पहुँचने। और फिर इस्लामाबाद के जो आगे का सफर है, मतलब इस्लामाबाद में रहे जो क्या क्याम किया जाएगा कि आगे मजीद क्या सफर है उस हवाले से क्या लाया मैंने? देखिए ये तो हमारी लीडरशिप ही इस चीज को ज्यादा वाजे कर सकती है, लेकिन हम समझते हैं कि हमें इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही ये हुकूमत, जैसे हम यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के निकल रहे हैं तो ये हुकूमत हमारे इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही बोरिया बिस्तर बांध कर घर जाएगी और मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान में जो है वो नई हुकूमत का माहौल बन चुका है इंशाल्लाह। अच्छा जावेद साहब ये मुझे बताइएगा कि आपने कोई तखमीना लगाया कि आपके साथ नौजवान कितने होंगे और कहाँ कहाँ से आप उनको लेके निकल रहे हैं, मतलब क्योंकि रूट तो एक ही डिसाइड होगा सिंध के अंदर जो उन्होंने चेयरमैन साहब ने डिसाइड किया है, तो कहाँ मतलब आप लोग कैसे उनको अपने साथ ले रहे हैं और कितने नौजवानों का आपके पास तखमीना है कि वो रहे? देखें मैंने जैसे कहा कि नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद होगी, अब वो हमारा ये एक अंदाजा है कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ से सिंध से निकल के और फिर लाखों की तादाद में जो लोग पंजाब में होंगे तो उनको ज्वाइन करेंगे। तो अब जब आप अंदाजा लगा रहे हैं कि लाखों की तादाद में लोग होंगे और उसमें 65% जो है नौजवानों पे मुश्तमिल होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़ी तादाद में लोग होंगे, हजारों लाखों की तादाद में ये नौजवान। पंजाब के नौजवान की आपने बात की तो पंजाब के एक और जो तंजीम है उसके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन है आम आवाम को लेने के लिए, मतलब साथ लाने के लिए? बिल्कुल, हमारी पूरे पाकिस्तान की जो हमारे हमारे पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर है उन सबके साथ हम कोऑर्डिनेशन में है और हमारी बातचीत चल रही है पंजाब की तंजीम से और केपीके की तंजीम से, इस्लामाबाद की तंजीम से जहाँ से हमारे रूट गुजरेंगे और इंशाल्लाह वो हमें वेलकम करने के लिए भी तैयार हैं और वो भी बड़ी तादाद में पंजाब में हमें वेलकम करेंगे। और आपने किसी एग्रेसिव जो मोड आएगा गवर्नमेंट का, क्योंकि अभी से उनके बयान स्टार्ट हो गए हैं कि जी हम देख लेंगे हमारी जरूरत, आप में जरूरत है तो आज ही करें, तो उस पर कोई मतलब एक बनाया है आपने कोई पॉलिसी कि अगर इनकेस वहाँ से कोई पुरतशद्दुद तशद्दुद इख्तियार किया जाता है हुकूमत की तरफ से इन इस्लामाबाद या इन पंजाब में आप इंटर होते हैं तो देन उसका क्या आपने मतलब प्रिपरेशन किया? देखें पीपल्स पार्टी और पीपल्स यूथ जो है वो नॉन वायलेंस पे ईमान रखते हैं, हमारी पॉलिटिक्स वायलेंस पे मबनी नहीं है, ना हम वायलेंस की कभी तरगीब देते हैं ना उससे हम अमल करते हैं, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम पीसफुली इस कराची से निकलेंगे और पीसफुली पूरा पाकिस्तान पूरा पंजाब घूम के हम पहुंचेंगे इस्लामाबाद, हमारे हाथ खाली होंगे, हमारे यहाँ डंडे होंगे ना, हमारे यहाँ क्लैशन स्कोप होगी ना हमारे यहाँ हथियार होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत इतना बड़ा जो है वो रिस्क नहीं लेगी कि जेलों को वो तशद्दुद पे रागिब करे और जमहूरियत की जदोजहद में जेलों ने हमेशा पुरअमन तरीके से जदोजहद की है, वो शहीद रानी मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जमाना हो या शहीद कैद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जमाना हो, बिकॉज ये पीपल्स पार्टी कभी भी वायलेंस पे बिलीव नहीं रखती। हाँ अगर ये सरकार जो है नियाजी हुकूमत वो हम पे अटैक करेगी तो जाहिर है हम कारकुनान अपनी चेयरमैन साहब को लीडरशिप को हर सूरत में इस्लामाबाद तक पहुंचाएंगे फिर चाहे कुछ भी करना पड़े। अच्छा एक चीज हम ये नोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दीगर अपोजिशन जमातें राबते कर रही हैं, आप भी तुलबा तंजीम के सरबराह हैं सदर हैं, आपके भी क्या दीगर जो तुलबा तंजीम है उनसे राबते हो रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर कॉलेज लेवल पर क्या रबते हो रहे हैं और इन हुकूमत के खिलाफ जो लॉन्ग मार्च है क्या दीगर जमातों के तलबा तंजीमें भी क्या आपके लॉन्ग मार्च में शिरकत करने की जो हैं उसमें दिलचस्पी ले रही हैं? देखें हमारी आज जैसे आपने देखा कि एएनपी ने भी ऐलान किया है कि वो पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे और मैं समझता हूँ कि जो बाकी पार्टीज हैं जैसे पीडीएम की जो पार्टीज हैं वो भी अब आए बाएं शाएं को छोड़ें और वो भी अगर शमूलियत करना चाहते हैं तो हमारी लीडरशिप उनके दायरे बात करेगी,
लेकिन मैंने जैसे कहा कि हमने अकरार सपोर्ट, जितने भी नौजवान तंजीमें हैं जो भी नौजवानों के राइट्स के बारे में बात करती हैं, हमने सबको दावत दी है। हम एक एक शहर में गए हैं, एक एक कस्बे में गए हैं और उनको दावत दी है कि वो हमें ज्वाइन करें। और मैंने जैसे पहले कहा कि आम आदमी, आम नौजवान जो है वो भी हमारे काफिले में शामिल हो रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत बड़ी तादाद में नौजवान। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि आपने बात कही इस हवाले से कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी से जहां हर तबका मुतासर हुआ तो ये मुल्क का नौजवान भी मुतासर हुआ, तालिब इलम भी मुतासर हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत को घर भेजने में कामयाब साबित हो जाती है तो फिर ऐसी क्या पॉलिसीज होंगी जिससे नौजवान को फ़ायदा होगा, और वो क्या पॉलिसीज हैं जिनकी आप डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो यूथ, जो पीपल्स यूथ के प्लेटफॉर्म से? देखें, आपके सामने है पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम को, नौजवानों को आगे किया है। और रोजगार, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मसला है इस मुल्क में, रोजगार बहुत बड़ा इशू है और पिछले 3 सालों में करोड़ों की तादाद में लोगों से रोजगार छीना गया है, लोगों से घर छीने गए हैं, लोगों से जो हुकूक है वो छीने गए हैं। तो पीपल्स पार्टी तो ओवरऑल पूरी सोसाइटी को साथ लेके चलती है। वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की गवर्नमेंट हो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट हो या शहीद कैदेमाम जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत हो, इसी वजह से पीपल्स पार्टी आज मासिक में जिंदा है। आज पीपल्स पार्टी कश्मीर से लेकर कारूझर तक पीपल्स पार्टी एग्जिस्ट करती है। तो जावेद साहब, आपको अंदाजा है कि आगे प्रॉब्लम्स आनी है, ठीक है, फिर भी आप निकल रहे हैं, आवाम के लिए निकल रहे हैं, मुल्क की खातिर निकल रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो ये आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्च किस हद तक कामयाबी की तरफ नजर आ रहा है आपको? देखें, जिस तरीके से ये हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, जिस तरीके से हम समझते हैं कि इनके वफाकी वज़रा के बयान आते हैं, तो जाहिर है ये बौखलाहट का शिकार हैं, ये डर चुके हैं और इनको पता है कि जब ये काफिला निकलेगा तो जाहिर है काफिले जब भी निकलते हैं तो वो उनका इख्तिताम हमेशा हुकूमतों की तब्दीली की सूरत में होता है। आपको याद होगा कि 92 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने एक लॉन्ग मार्च किया था उस जमाने की जो हुकूमत थी उनके खिलाफ, और उनको फिर घर भेज के ही वापस आई। तो इंशाल्लाह ये लॉन्ग मार्च भी ऐसा ही कामयाब होगा और ये हुकूमत हम घर भेज के फिर ही वापस। हमारे साथ जावेद नायाब लागारी साहब मौजूद थे, उनका यही कहना था कि जिस तरह लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं, उम्मीद यही है कि लॉन्ग मार्च जो है कामयाब होगा। डिस्कशन को मज़ीद जारी रखेंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से, जो है मज़ीद आपको अपडेट करते रहेंगे। वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक, और डिस्कशन कर रहे थे लॉन्ग मार्च के हवाले से। लॉन्ग मार्च के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तैयारियां एक जानिब हो रही हैं तो दूसरी जानिब अपोजिशन के इत्तेहादी जो हैं, हुकूमत के इत्तेहादी और अपोजिशन दोनों से रबते भी किए जा रहे हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से तो तैयारियाँ सिर्फ जो है तंजीमी रबते भी किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो तलबा विंग है उनसे भी रबते किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब वुमेन विंग्स जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनसे भी रबते किए जा रहे हैं। काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो उनका जो मौक़िफ़ है वो काफ़ी खड़ा है और काफ़ी जो है वाज़ है। उनका यही कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अवाम की जमात है, अवाम की नुमाइंदगी कर रही है और अवाम के लिए रोडों पर निकले हैं, पाकिस्तान को बचाने निकले हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा पॉलिसीज़ के खिलाफ जो है रोडों पर निकल रही है और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से एक वाज़ बयान भी सामने आया। उन्होंने जो है खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा पॉलिसीज़ के खिलाफ एहतजाज कर रही है। मुल्क में गैस का बहरान है, चीनी का बहरान है, अवाम जो है यूरिया खाद बिलखसूस किसान जो हैं उनका माशी कत्ल किया जा रहा है और यूरिया खाद की अदम दस्तियाबी पर किसान तबका जो है सरापा एहतजाज है। अगर बात की जाए दीगर पॉलिसीज़ की हुकूमत की तो खारजा पॉलिसी नाकाम हो गई है। बात की जाए अगर हुकूमत की दीगर जो पॉलिसियाँ अवामी तर्ज की वो भी नाकाम साबित हुई हैं। वक्तन फवक्तन दीगर पॉलिसीज़ के हवाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाज किया गया मगर वो एहतजाज जो है उसमें जहाँ तेज़ी आई है तो दूसरी जानिब हुकूमत के खिलाफ जो है उन्हें टफ टाइम देने के लिए एक बार फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतारिक हो गई है और दूसरी जानिब पीडीएम से भी मुहैया जो है रबते किए जा रहे हैं और काफ़ी जो है
तेजी हम देख रहे हैं। इस सिलसिले में हमें ज्वाइन किया है जायदा अंसारी साहिबा ने, वाइस प्रेसिडेंट हैं वुमेन विंग पंजाब की। बहुत शुक्रिया मैडम आपके कीमती वक्त का। बात करें अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो कितने मुतारिक है बिलखसूस जो खवातीन हैं, और खवातीन के क्या मसाइल हैं जिनके लिए जो है पाकिस्तान की माएँ बहनें बेटियां जो है रोडों पर नज़र आएंगी जद्दोजहद कर रही होंगी, तो ऐसी क्या मसाइल हैं जिसके लिए पाकिस्तान की माएँ बेटियां रोडों पर नज़र आ रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो स्टार टीवी वालों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया था, मौजूदा हुकूमत का जो रवैया है अवाम के साथ या जो अवाम की जानो माल से खेल रहे हैं, तो आम तबका इतना जलीलो ख्वार हो चुका है और आम तबका इतना मुतासर हुआ है इस मौजूदा दौरे हुकूमत में, और उनकी नज़रें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ थी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पे कि वो कदम उठाएं और अवाम के शाना बशाना वो चलें। तो इसमें खवातीन की बहुत बड़ी तादाद इंशाल्लाह ताला शिरकत करेगी लॉन्ग मार्च में, क्योंकि हमारे मुल्क में खवातीन को तहफ्फुज़ नहीं है। आए दिन मासूम बच्चियों का रेप हो रहा है, खवातीन के साथ जो छेड़खानी होती है उनको हरासा किया जाता है, औरत किसी जगह भी महफूज नहीं है। तो औरत अपने हकूक के लिए निकलेगी और उनकी नजरें जो हैं, और वो सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म समझती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को समझती हैं कि अवाम के हकूक की जंग सिर्फ पीपल्स पार्टी लड़ सकती है। तो इंशाल्लाह ताला ये अवाम का लॉन्ग मार्च है और पीपल्स पार्टी की इसकी नुमाइंदगी कर रही है और ये जरूर कामयाब होगा। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, आप औरतें निकल रही हैं पीपल्स पार्टी के संग आ रही हैं। बेसिक ये है कि आपने ये बकौल पीटीआई के कि वो तो नुमाइंदा है इनकी, और गवर्नमेंट में आने से पहले भी आपने धरने में भी देखा था कि औरतों की बड़ी तादाद होती थी उसमें, तो अब आके ऐसी क्या चेंजेस आ गई हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मुल्क की औरतें जो हैं वो निकल रही हैं पीटीआई के खिलाफ? जी बिल्कुल, पीटीआई ने इलेक्शन से पहले ये नारा लगाया था और वो जो एक एलीट क्लास की औरतें थी वो पीटीआई के साथ थी, लेकिन जो आम तबका है, जो गरीब तबका है जिनको दाल रोटी के लाले पड़े हुए हैं, वो पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने वादे किए थे हमेशा पीपल्स पार्टी ने औरतों को नुमाइंदगी दी ज्यादा असम्बली के अंदर, इन्होंने तो बस वो कोई भी एक वादा पूरा नहीं किया। तो जो आम औरतों के हकूक है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी दिला सकती है। अच्छा, आप पंजाब की वाइस प्रेसिडेंट हैं वुमेन विंग की, तो ये बताएं कि पंजाब में क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं? मतलब पंजाब में बहुत प्रॉब्लम है जी, पूरा पाकिस्तान में, पंजाब में खासकर आए दिन खवातीन के साथ रेप होता है, खवातीन के साथ ज्यादती होती है, और सबसे बड़े मसले जो है पुलिस के, पुलिस जो चादर और चारदीवारी का तहफ्फुज़ नहीं है लोगों को। ये तो वो प्रॉब्लम्स हैं जो चल रहे हैं आपके कानून की वजह से हैं। दूसरे प्रॉब्लम्स क्या हैं जिसके लिए पीटीआई के खिलाफ जो है एहतजाज इतना बड़ा किया जा रहा है? आवाम निकलेगी, देखें चादर चार दीवारी तो एक बेसिक है, मगर इसके अलावा क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके जो आप मतलब इतनी बड़ी तादाद लेके निकल रहे हैं? इसके अलावा जी जो महंगाई है, सबसे बड़ा इशू इस वक्त महंगाई है। बकौल अरकान के गवर्नमेंट के जी महंगाई तो हमारे पास है नहीं इतनी, कैनेडा से तो हम बहुत पीछे हैं। नहीं जी, महंगाई बहुत ज्यादा है जी, जो बेचारे आम तबका है 20-25 हजार जिनकी इनकम है महीने की, फिर वो शहरों में रहते हैं किराए के घरों में, उन्होंने बिजली के बिल भी देने हैं, गैस के बिल भी देने हैं, पानी के बिल भी देने हैं, उनके बच्चों की तालीम भी है, उनसे पूछो कि उनका गुजारा किस तरह हो रहा है, उनका बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हो चुके हैं, आए रोज आपको पता चलता है कि फलाने महंगाई से तंग आके, गुर्बत से तंग आकर अपने बच्चों को जहर दे दिया, खुदकुशी कर ली। तो ये बेसिक मसाइल है। बिल्कुल आप अपनी जगह पर बजा होंगी, आप जो कह रही हैं वो ठीक होगा कि कुछ हद तक। अगर एक इस हवाले से बात की जाए, फवाद चौधरी जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ के सीनियर रहनुमा हैं, उनका बयान एक सामने आया, उन्होंने कहा मईशियत ख़राब करने वाले कहते हैं महंगाई हुई है, और इमरान खान के बाएं सब चोर एक पेज पर हैं। तो इस बयान को किस हद तक दुरुस्त समझती हैं आप? क्या वो बस ऐसे ही हवाओं में बातें कर रहे हैं कि बौखलाहट का शिकार हो गए हैं कि नहीं, इनके जो बयान है उसमें कई कुछ हद तक हकीकत है? फवाद चौधरी साहब जी हवाओं में तीर चलाते रहते हैं और बौखलाहट का शिकार भी हो चुके हैं। जब से उन्हें पता चला है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो वो बौखलाहट का शिकार है, उनकी बातों में कोई हकीकत नहीं है, गिदड़ पबकी है। ये आपने कहा कि गिदड़ भक्तियां हैं, इस हवाले से इमरान खान साहब का भी एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा है जो घबराए हुए हैं उन्हें
चौधरी शुजात की सेहत का ख्याल आ गया है, मोने सिलाई ने ख़ानदान पर बिल्कुल जो है एतमाद करता हूँ और मोने सिलाई के ख़ानदान जो है बिल्कुल मेरे ख़ानदान की तरह है, उस पर यकीन दहानी की है। हमने देखा एक जानब मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, जो है उनके से रबते भी किए जा रहे हैं चौधरी बरदरान से, दूसरी जानब इमरान खान जो हैं बिल्कुल सुकून में नज़र आ रहे हैं और इस तरह के बयान जो हैं दे रहे हैं, तो क्या समझती हैं? सुकून में तो नहीं नज़र आ रहे जी, वो घबरा चुके हैं और अब उनको घबरा जाना चाहिए। तो बाकी ये आसफ अली जरदारी साहब की सियासी दानशमंदी है कि वो अपने मुखालफीन से राबते कर रहे हैं, क्योंकि ये सियासत की खूबसूरती है। और चौधरी बरादरान खुद मिलना चाहते थे जरदारी साहब से, तो उन्होंने उनको दावत दी थी, खाने पे बुलाया था। तो सियासत होती रहती है। अच्छा, तो कितना बेहतर समझती हैं जिस तरह रबता हुआ बिलावल साहब से चौधरी बरादरान का, कितना मुस्बत साबित होगा, मुश्किल को जो हुकूमत उसको कितनी मुश्किल में डालेगा, और ये जो तमाम रबते हुए हैं ये हुकूमत को मजीद कितना टफ टाइम दे सकते हैं? चौधरी बरादरान पीपल्स पार्टी का साथ दे ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पीपल्स पार्टी ये अकेले लॉन्ग मार्च भी कर सकती है और इंशाल्लाह ताला हुकूमत को पीपल्स पार्टी टफ टाइम देगी। अच्छा, एक और चीज सामने आई है, आपने कहा भले साथ दे ना दे, तो दूसरी जानब मोने सिलाई ने यकीन दहानी करवाई है वजीर आजम इमरान खान को और कहा है वजीर आजम इमरान खान घबराना नहीं, आप कहो तो मैं कह दूं घबराना नहीं है, तो क्या समझ रहे हैं? इसलिए तो मैं कह रही हूं जी वो साथ दे ना दे, क्योंकि वो तो अभी 50-50 चांस है ना, वो साथ दे ना दे, लेकिन पीपल्स पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ देख रही है और इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क्यादत में अवाम का ये लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ बहुत कामयाब होगा। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं मुल्क में जो मौजूदा महंगाई की शरह है उसमें भी इजाफा हुआ है, दूसरी जगह पेट्रोल की जो नरख है उनमें भी इजाफा हुआ है, डीजल की कीमतों में भी इजाफा होने का खदशा है और मज़ीद इजाफा होगा, आवाम इसको किस तरह देख रही है? आपका जिस जगह से ताल्लुक है वहाँ आवाम में क्या मायूसी पाई जाती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितना पसंद किया जा रहा है ये लॉन्ग मार्च के हवाले से, वहाँ के जो आवाम है वो कितनी ज़्यादा मुतारिक है? अभी आप देखिएगा जी, ये अगले महीने से पेट्रोल के नरखों में फिर इजाफा हो रहा है, तो मेरा मैं चूंकि शहर लाहौर में रहती हूँ तो उसका अंदाजा हमने इससे लगा लिया है कि दिसंबर में जो जिमनी इलेक्शन हुआ था लाहौर में, उसमें पीपल्स पार्टी ने 33,000 वोट लिए है, तो लाहौर में तो बहुत इनके खिलाफ नफरत पाई जा रही है। चीनी, आटा, दालें, कोई चीज भी आवाम को मुयसर नहीं, पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही है, लोगों ने घरों में गाड़ियां खड़ी कर दी हैं और वो बसों पे और वो जो मेट्रो है उस पर सफर कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के बस की बात ही नहीं कि वो इतना महंगा पेट्रोल अफोर्ड कर सके। तो अवाम में बहुत गुस्सा पाया जा रहा है इस चीज पे और इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की राह हमवार हो रही है, पीपल्स पार्टी के आने वाला टाइम पीपल्स पार्टी के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, एक और बयान हुकूमती वज़रा क्यों आप देख रही है, जहाँ एहतजाज आपकी जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है, लॉन्ग मार्च की तैयारियां की जा रही है, दूसरी जानब गाय बगाय हुकूमत के वज़राओं की जानब से ही बयान सामने आ रहे हैं, उनकी जानब से भी जो है लफ्जी जंग का जो है सिलसिला बरकरार है, शाह महमूद कुरैशी की जानब से कहा गया है पीपल्स पार्टी इंतखाबात नहीं चाहती लेकिन अदम एतमाद चाहती है, क्या बताना चाह रहे थे अपने चंद जुमलों में, चंद बातों में, चंद अल्फाज में, क्या समझाना चाह रहे थे? असल में नमक आराम लोग हैं, पीपल्स पार्टी से ही गए हैं ना, पीपल्स पार्टी का खाके इन्होंने आराम किया है तो ये बुखलाट का शिकार हो चुके हैं, घबरा चुके हैं, उनको पता है कि जब आवाम सड़कों पर निकलेगी तो इस हुकूमत को घर जाना होगा और ये सब घरों में जाएंगे। अच्छा, एक और बयान इनका सामने आया इस सिलसिले में, उन्होंने कहा बिलावल बेटा तैयारी कर लो मैं आ रहा हूँ, तो कहाँ आने की तैयारियां करवा रहे हैं और क्या चाह रहे हैं? इन्होंने घरों में जाना है, अपने अपने घर में जाएंगे और बिलावल साहब वजीर आजम बनेंगे, तो ये तैयारी हो रही है। तो मतलब इंडोर इनसे भी रास्ते वापस किए जाएंगे क्या? ये देखिए आने वाले टाइम में पता चलेगा। सही सही सही। अच्छा चले, आप क्योंकि वुमेन विंग्स की जो पंजाब के अंदर तमाम चीज़ों को आप देख रही हैं, वुमेन्स के जो आपने मसाइल बाकायदा बताया कि खवातीन जो हैं किन मसाइल का सामना कर रही हैं पंजाब में, आपने बताया कि वहाँ इसमत जरी के वाकियात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, दूसरी जानब आपने पुलिस जो है उसकी रिफॉर्म्स के हवाले से बात की, तो ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से आपने बताया तमाम चीज़ें, तहरीक इंसाफ भी यही नारों के साथ आई थी, तहरीक इंसाफ ने कहा था कि पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे, जो ख़वातीन हैं उनको उनकी इज्जत और आबरू हमारी इज्जत और आबरू है, तमाम यही बातें की थी, तो किस हद तक ये कामयाब साबित हुआ है पुलिस रिफॉर्म्स में और दीगर मामलों में?
ये बिल्कुल नाकाम हुए जी। पीपल्स पार्टी ने अगर किसी चीज का नारा लगाया तो पीपल्स पार्टी ने पूरा भी किया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर में खवातीन के लिए अलग पुलिस स्टेशन बनाए गए, खवातीन के लिए अलग बैंक बनाए गए, तो तब तो काम हुआ। जो उन्होंने नारा लगाया उस पर अमल भी किया। इन्होंने कोई एक भी वादा सच्चा साबित किया है तो कौम बताए, जब आप ही बताएं कोई एक भी इनका वादा सच्चा साबित हुआ है। तो इन्होंने बस नारे लगाए, नारा लगा के अवाम को बेवकूफ बनाया, वोट लिया, कुछ धांधली हुई, ये हुकूमत में आ गए, पावर में आ गए, लेकिन कोई एक काम भी इन्होंने नहीं किया अपने वादे के मुताबिक। अच्छा, एक और चीज़ ऐड करते हैं कि आपने सही कहा कि वादे नहीं कर रहे, वादे नहीं निभा रहे और जो है अपने वादों पर जो है बिल्कुल डटे हुए नहीं है, यूटर्न पे यूटर्न लिए जा रहे हैं। और इस हवाले से खान साहब ने खुद ने कहा कि यूटर्न लेता हूं मैं, तो चलें वो सारी चीज़ों को मानते हैं, तस्लीम करते हैं। अपोजिशन जो इनके साथ है, जो इत्तेहादी इनके साथ हैं, वो किन वजूहात के तहत इनके साथ हैं और उनसे आपके भी जो है वक्तन फवक्तन जो है रابطे हो रहे हैं, तो वो उनसे जब रابطे हो रहे हैं तो क्या बातें वो सामने ला रहे हैं, क्या मामलात हैं? जी, वो इलेक्टेबल लोग हैं, वो हर हुकूमत में आपको पता है कि जो जिसका इक्तदार हो वो पैसा लेकर उस तरफ हो जाते हैं, तो वो उनका तो काम है, वो इस काबिल नहीं है कि उन पे बात की जाए, बस वो आने जाने वाले लोटे हैं। अच्छा, आपकी बात का मुकम्मल हुई तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने कितना वर्क किया है कि औरतों को निकालें इस के लिए, पंजाब से बाहर निकालें कि जी आप चलें हमारे साथ और वहाँ पे जाके जो है एहतजाज है तो बैठे, वर्किंग ऐसी कोई अंदाजा आइडिया कि इतनी औरतें इस पे? जी बहुत वर्क हो रहा है। हमारे साबिक वजीर आजम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के जो सदर है राजा परवेज अशरफ साहब और असन मुर्तजा साहब MP जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो हर जगह हर शहर में जा रहे हैं, हम भी उनके साथ जा रहे हैं, लोगों से मीटिंग चल रही है, तो इंशाल्लाह ताला अवाम की और खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है। पंजाब में पीपल्स पार्टी रिवाइव कर रही है और मतलब इस लॉन्ग मार्च में वो दिखाएगी कि जी हम जो है पंजाब में दोबारा आ गए, हमारे पांव यहाँ खड़े हैं और हम जो है इंशाल्लाह जवाब देंगे। इंशाल्लाह ताला जी ये अवाम साबित करेगी कि वो पीपल्स पार्टी के साथ है, उन्होंने पीपल्स पार्टी को कभी भी तनहा नहीं छोड़ा और अवाम ये साबित करेंगे कि वो हमेशा। एक अंदाजा विमेन विंग की है, सदा वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपको अंदाजा है कि सिंध से कितनी औरतें जो हैं उनके साथ क्या कोऑर्डिनेशन आपका चल रहा है कि यहाँ की जो नुमाइंदगान हैं विमेन्स की बात कर रहा हूँ मैं, उनके साथ के कितने वो लोग मोबिलाइज आ रहे हैं आपके साथ, मतलब ट्रेवल करेंगे आपके साथ चलेंगे, कितने तखमीना कोई आइडिया के कितनी औरतें उसमें शामिल है? इंशाल्लाह ताला जी जब लॉन्ग मार्च होगा पूरी दुनिया देखेगी कि अवाम की बहुत बड़ी तादाद निकली है। अच्छा, हमने पिछले अपने जो है ट्रांसमिशन में उस हवाले से बात की थी, हमारे साथ शहदा रहमानी साहिबा मौजूद थी, उन्होंने बताया था कि कराची समेत सूबा सिंध के अंदर जितनी भी खवातीन हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हैं, पुर उम्मीद हैं और लॉन्ग मार्च में जो हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ शाना बशाना मौजूद हैं और एक बड़ी तादाद जो है सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन जो हैं वो मुतारिक हैं लॉन्ग मार्च में आपके साथ पंजाब में। जी जी, पंजाब उनसे रابطہ होता रहता है तो बिल्कुल खवातीन में बहुत जोश और खरोश पाया जा रहा है और खवातीन बहुत पुरअज़म है लॉन्ग मार्च के हवाले से। पंजाब और सिंध की खवातीन यानी KP के कश्मीर बलोचिस्तान हर जगह से खवातीन, बलोचिस्तान से खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो है। खवातीन के लिए आपने क्या एक नारा रखा है मखसूस, क्योंकि हर जलसा और उसके लिए लॉन्ग मार्च के लिए कोई एक नारा होता है, जैसे पीपल्स यूथ सिंध की तरफ से अपना बोरिया बिस्तर अपने साथ है, तो आप पंजाब की तरफ से क्या नारा आप लोगों ने यूज करेंगे? अभी कोई नारा नहीं जी, जो क़यादत नारा वो देगी वो उस पर चलेंगे हम। क़यादत जो है पंजाब की वो इस वक्त किस जगह है, मतलब डेली मूवमेंट हो रही है दिन और रात में कंपेन, जो पंजाब की सियासत थी वो बेसिकली पत्थरों पे थी, मतलब थड़ों पे जिसको कहते हैं कि आपके वहां बैठे तो फिर इंशाल्लाह ताला गली मोहल्लों में थड़ों में फिर आ रही है यूनियन काउंसिल सतह पे और कल राजा परवेज अशरफ साहब सरगोधा जा रहे हैं सिलसिले में लॉन्ग मार्च की मीटिंग के सिलसिले में, तो इंशाल्लाह ताला वो तो डेली चल रही है मीटिंग और वो थड़ों की सियासत ही अब होगी जो पीपल्स पार्टी का मंशूर है और जो पीपल्स पार्टी करती रही है थड़ों की सियासत। अच्छा, हमने देखा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से मुल्तान में जो है वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया गया और वहाँ भी एक बड़ी जम्बे गफील अवाम का मौजूद था और वहाँ भी जिस तरह उन्होंने खिताब में बातें की अवाम जो है काफ़ी ज़्यादा उन पर नज़रें जमाई बैठी है, तो किस तरह का रद्द अमल अवाम की तरफ से आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में और कितना ये फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, बिलखसूस जो है हुकूमत की जो पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ कितना फ़ायदेमंद ये साबित हो रहा है?
बहुत अच्छा जी, अवाम की तरफ से बहुत मुस्बत इसका रद्द अमल आ रहा है। कल जो डेरा इस्माइल खान में एक मेयर का इलेक्शन हुआ है फैसल करीम कुंडी साहब का, जी, उसमें भी देखे ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 33,000 वोट लिया है। बेशक हम तीसरे नंबर पर आए हैं लेकिन पहले से बहुत अच्छा वोट बैंक वहां पे बना है। तो उसी तरह लाहौर में भी जिमनी इलेक्शन में जो दिसंबर में हुआ 33,000 पार्टी ने वोट लिया, तो वोट बैंक में इजाफा हो रहा है रोज बरोज पार्टी के। तो ये वोट जो बैंक जो आपका इजाफा हो रहा है, इससे आपको उम्मीद है कि आपका इसी तरह इम्पैक्ट जो है वो फेडरल पे भी आएगा, मतलब वफाकी हुकूमत को हटाने के लिए ये वोट बैंक काम आएगा आपके, इंशाल्लाह ताला जी आवाम निकलेगी आपके साथ, इंशाल्लाह ताला जी हम बहुत पूरी उम्मीद है। हमें तमाम तर चीज़ों के हवाले से बता रही थी ज़ाहिदा अंसारी साहब, हमारे साथ मौजूद थी, बहुत जो है खसूसी बातें कर रही थी, और बिल्कुल ज़ाहिदा अंसारी साहिबा ने जो तमाम चीज़ों के हवाले से बताया हमें कि जिस तरह पंजाब में बिलखसूस पंजाब में वुमेंस विंग की ये जो है वाइस प्रेसिडेंट है, और किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है मुतारिक है, और वहाँ किस तरह तमाम तर तैयारियाँ की जा रही हैं, उस हवाले से जो है हमें तफसीली तौर पर तमाम चीज़ों के हवाले से बता रही थी। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक बार फिर डिस्कशन को जारी रखेंगे, वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। अस्सलाम वालेकुम, और डिस्कशन का एक बार फिर से आगाज करते हैं। लॉन्ग मार्च के हवाले से तमाम तैयारियां की जा रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, शहरों में भी तैयारियां की जा रही हैं। बात की जाए कराची की तो हमने देखा शहर कराची में तैयारियां भरपूर तरीके से की जा रही हैं, हैदराबाद में भी तैयारियां की जा रही हैं, और इसी के साथ साथ दीगर जो सूबा सिंध के अज़ला हैं वहां भी तैयारियां की जा रही हैं। इस सिलसिले में हमें ज्वाइन किया है चौधरी अजहर साहब ने, सखर सिटी से इनका ताल्लुक़ है और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले बताइएगा जिस तरह हम कराची में तैयारियां देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, वर्कर्स काफ़ी मुतारिक हैं, काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, सखर में क्या तैयारियां हैं और कितने पुरजोश हैं कारकुनान? जी बिल्कुल, सखर के भी कारकुनों में वही जोश और जज्बा है जो दीगर शहरों में पार्टी कारकुनों में जज्बा है। सखर में जो लॉन्ग मार्च का काफिला है वो 27 फरवरी की रात को पहुंचेगा। पहला जो स्टॉप है नाइट स्टे है वो सखर में ही है, और वहां पर एक बड़े जलसे का भी एहतमाम किया गया है जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। और जहां तक बात रहे रजिस्ट्रेशन की, तो अब तक हमारे पास 4,000 से ज्यादा हमारे कारकुनान ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है, जबकि आपको पता है अभी 10 दिन बाकी हैं, और 10 दिनों में ये तादाद हमारी 10,000 से ज्यादा जो है वो कारकुनान की होगी जो सखर से इस काफले में शिरकत करेंगे और अपने चेयरमैन साहब का साथ देंगे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं काफ़ी पुरजोश लग रहे हैं कारकुनान, और कारकुनान की बात की जाए तो काफ़ी मुतारिक हैं, कराची की बात की जाए, हैदराबाद की, आपने जिस तरह बताया सखर की, तो दूसरी जानेब लॉन्ग मार्च के हवाले से जो है कितने पुरउम्मीदें हैं लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के लिए, क्या जदोजहद कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं जानेब हुकूमत की मौजूदा पॉलिसीज़ के खिलाफ जो है पूरी कौम सराप एहतजाज है। दूसरी जानेब पीपल्स पार्टी की जानेब से तैयारियां की जा रही हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से, बिलाल भुट्टो जरदारी साहब की जानेब से ही कहा गया है इस्लामाबाद जाएंगे, इमरान खान से हिसाब लेंगे, तो हिसाब लेने के लिए कितने जो है तैयारियां कर ली हैं और कितनी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और किस तरह हिसाब लिया जाएगा? जी बिल्कुल, तैयारियाँ हमारी पूरी हैं, और जैसा कि आपको पता है कि ना घबराने वाला भाषण देने वाले अब खुद घबराना शुरू कर दिया उन्होंने, और इंशाल्लाह ताला हम अपनी मंजिल मकसूद से पहुंचने से पहले हमें उम्मीद है कि न्याजी से इस पाकिस्तान को निजात मिलेगी। अच्छा एक और बात, आपने कहा घबराना नहीं है और घबरा नहीं रहे, और घबराने वाले जो है अब वो खुद ही बौखलाहट का शिकार हो गए। दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं बयानात हुकूमती वज़रा के सामने आ रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने आ रहे हैं, कैसे देखते हैं अगर वहाँ कोई पुरतशद्दुद वाकियात रोनुमा होते हैं तो उस हवाले से भी कोई लायमल तय किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी रहा है कि वो पुरतशद्दुद जो है वाकियात जो है नहीं करती, और जो है काफ़ी पुरअमन सियासी जो है तंजीम है, सियासी जमात है, तो इस हवाले से क्या लायमल तैयार किया गया है, क्यों पुरअमन एहतजाज किया जाएगा, तो इस हवाले से क्या अगर कोई भी जो है तशद्दुद के वाकियात वहाँ रुनुमा होते तो उस हवाले से क्या तैयारियाँ की गई हैं? ये बिल्कुल हमारा ये जो लॉन्ग मार्च है ये बिल्कुल पुरअमन है, और बगैर किसी को कोई तकलीफ पहुंचाए हमने जीटी रोड का इंतखाब किया है कि ना आवाम को कोई तकलीफ हो,
और ना ही किसी और को भी प्रॉब्लम हो और पुरमन हो। अगर न्याजी हुकूमत की जानिब से हमें रोकने की कोशिश की गई तो ज़रूर पीठ का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हम भी ज्याले हैं और ज्यालों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, न्याजी भी और उसके हवारी भी, कि ज्याले फिर जब अपनी आई पे रखते हैं क्या करते हैं। अच्छा, आपने ये बात भी कही कि जो है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और हम भी जो हैं ज्याले हैं और हम भी काफ़ी पुरजोश हैं, पुरउम्मीद हैं। अच्छा, आप खुद ही जो है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, सखर सिटी को पूरा देख रहे हैं और क्या तैयारियां की हैं उस हवाले से भी आपने बताया। सखर में जो सखर की आवाम है वो कितनी ज़्यादा तैयार है लॉन्ग मार्च के हवाले से, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से यही कहा गया है कि इस जंग में हमारी सिपाही जो है, हमारी आवाम है, ये कौम है और पाकिस्तान को बचाने निकले। तो सखर के जो मकीन हैं, जो सखर के जो शहरी हैं और सखर और उसके गिरदोनवाह जो शहरी आबाद हैं, वो बिलावल भुट्टो के साथ किस तरह मौजूद हैं और वो बिलावल भुट्टो के जो बयानात हैं उन्हें किस तरह देख रहे हैं और हुकूमत की मौजूदा पॉलिसी से उनका क्या रद्द अमल सामने आ रहा है, हुकूमत की जो पॉलिसी है। जहाँ तक आवाम की बात है जी भाई, तो मैं बिल्कुल आपको अपने यकीन के साथ कह रहा हूँ और इसमें कोई शक नहीं है कि आवाम जब टेलीविजन पर या किसी और जगह पर बयान सुन रहे होते हैं तो जहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान होता है तो उसे बड़े गौर से सुना जाता है, और जहाँ जैसे ही कोई न्याजी या उसका हवारी बयान देने आता है तो आप यकीन जाने के लोग टेलीविजन बंद कर देते हैं, अखबार नहीं पढ़ते, वो सुर्खी नहीं पढ़ते, वो कालम ही नहीं पढ़ते जहाँ पर इनके बयान जो पिछले 3 सालों से ये टोपी ड्रामा सुनते आ रहे हैं न्याजी हुकूमत का, अब कोई उनके ऊपर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, तो अजहर साहब आप ये बताएं कि लॉन्ग मार्च के लिए तो ऐलान हो चुका है, लोग भी निकलने के लिए तैयार हैं, अब ये आवाम के मसाइल सखर में ऐसे क्या थे कि जो है वो आपके साथ शामिल हो जाएंगे, क्योंकि वर्कर तो आप जाएगा, पार्टी का हुक्म है तो पार्टी निकलेगी, तो ये जो आम आवाम इसको कैसे निकाल रहे हैं, इनके मसाइल क्या है? देखिए जी, सबसे मेन जो चीज है जिससे आवाम बेजार है वो है महंगाई। बाकी छोटे मोटे काम जो है सफाई सुथराई के और दूसरे रोड रस्तों के ये वो तो चलते ही आते हैं और वो सूबाई हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की जो है वो कर रही है, लेकिन असल जो मसला है वो महंगाई का है, बिजली का है, पानी का है, गैस का है, अद्वियात का है। जो जिस मरीज की दवाई 3 साल पहले महीने की 1000 रुपए की आती थी, आप यकीन जाने इस टाइम 4000 रुपए की दवाई है। तो ये अगर आप हल्के की बात करें, आपका जो एरिया है सखर सिटी जो आप देख रहे हैं, इसके गिरदोनवाह सारा जो है ज़रई इलाका है, ज़रई आवाम मतलब मैक्सिमम एरिया ज़रई है, तो आपके जो किसान है उस पर क्या फ़र्क आया है, किस गवर्नमेंट ने उसको क्या उनके साथ प्रॉब्लम्स की हैं कि वो किसान भी निकलेगा मार्च के लिए, क्योंकि हमने किसान मार्च में देखा है कि बड़ी बहुत बड़ी तादाद जो है सखर से निकली थी। जी बिल्कुल, ये मैं आपसे अर्ज करूँ, इस पर बुरहान खान ने पाकिस्तान में हर चीज़ का बहरान पैदा किया और हमारे जो लीडरान हैं वो इनको बताते आए कि जी आने वाले वक्त में गंदम का बुरहान हो सकता है कि अगर यूरिया खाद का बुरहान ख़त्म न किया गया और दूसरी जो अजनास हैं उसका बुरहान पैदा हो सकता है, लेकिन इन के कान में जूं तक नहीं हिली रिंगी है और ये जो है नशे में सोए रहे हैं। और आप अल्लाह माफी दे, मैं हल्का है इस हल्के में जो है सईद नासिर हुसैन शाह साहब जो है बड़े एक्टिव हैं, इस जो एक एक्टिविटी हो रही है इस एक्टिविटी में जो है शाह साहब जो है किस हद तक जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन और लोगों को जो है मोबिलाइज करने और उनको जो है अपने हल्के के लोगों से मिलने के लिए क्या उनकी एक्टिविटीज है? बिल्कुल जी, नासिर शाह साहब है हमारे यहाँ सखर में, खुर्शीद शाह साहब है, इस्लामुद्दीन शेख साहब है, नौमान इस्लाम शेख साहब है, ये तमाम बकाया तो सखर में मौजूद हैं, खुर्शीद शाह साहब भी और नुमान साहब भी, जबकि इस्लामुद्दीन शेख साहब और उनकी तबीयत कुछ बेहतर नहीं है तो वो 25 तारीख को उनका शेड्यूल है सखर में आने का। नासिर शाह साहब वक्तन वफक्तन हम लोगों से अपने दूसरे वो से और कारकुनान से टेलीफोन पर रबते में हैं और तैयारियों के बारे में जान रहे हैं, और जो जलसा है हमारा यहाँ सखर का उसमें उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह ताला 2 लाख से ज़्यादा लोग जो है उस जलसे में शिरकत करेंगे और फिर 28 की सुबह हम सखर से रहीमयार खान के लिए रवाना हो जाएंगे। अच्छा, एक जानब हम देख रहे हैं आम तबका बेहद मुतासर है, दूसरी जानब आपने ही बताया कि यूरिया खाद की अदम दस्तियाबी पर किसान भी सरापा एहतजाज है, बात की जाए सखर की तो वहाँ भी जो है किसान को यूरिया खाद की नहीं मिल रही जिसके बायस वो बेहद परेशान है।
पीपल्स पार्टी के जो कॉल है लॉन्ग मार्च के हवाले से, उसमें कितनी बड़ी तादाद जो है बिलखसूस किसान तबका जो सखर से ताल्लुक रखता है वो मौजूद होगा? बिल्कुल, इसमें किसान बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और खुद रजाकाराना तौर पर वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं हमारे पास आकर। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि 4,000 से ज्यादा लोग सखर सिटी से वो अपनी रजिस्ट्रेशन हमें करवा चुके हैं साथ रजाकारा तौर पर जाने के लिए, जिसमें मैं समझता हूँ कि 30-35% किसानों की तादाद है। अच्छा, एक बड़ी तादाद है जिस तरह बता रहे हैं। अच्छा, दूसरी जगह हम ये भी देख रहे हैं कि महंगाई का आलम है, जो महंगाई बढ़ रही है, और दूसरी जगह हम देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है और एक तरफ बयानात सामने आ रहे हैं हुकूमती वज़राओं के, अगर महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा उसे आम आदमी मुतासर होगा, तो हुकूमती वज़रा तो ये वापस से आप पर ही इल्ज़ाम डालेंगे, तो उसको कैसे समझते हैं? देखिए जी, इनको सब लोग जान चुके हैं, आवाम भी जब इनको पहचान चुकी है, इनके झूठे नारा चोर 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 का जो इन्होंने शोर मचा के ये इन्होंने आवाम चंद थोड़ी सी आवाम भगाया, तो आपको पता है कि सिलेक्टेड है इनको और बड़ी हिम्मतों ने इनका साथ दिया इनको हुकूमत में लाने के लिए। लेकिन जिन लोगों ने इन पर एतमाद भी किया था, इनके नारे पे एतबार भी किया था, उनके सामने भी इनकी जो फोल पट्टियाँ खुल चुकी हैं कि ये सबसे बड़े चोरी खुद हैं, हर चीज में इन्होंने कमीशन ली है। जो गैस आपने मार्च में खरीदना था वो गैस आपने आके परचेजिंग किया अगस्त में, जिसका आपको आवाम को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है और कई गुना ज्यादा उसकी कीमत आपने दी, और ये गलती सिर्फ एक साल नहीं, पिछले 3 साल से ये गलती करते आए हैं सिर्फ अपनी कमीशनों के लिए। चीनी का बोरान आपने देखा, उसमें लोग अरबपति हो गए, खुद न्याजी साहब बकौल जमात के पीटीआई के जी ये जो बहरान आया है गंदम का और चीनी का, ये सारी जो है स्टॉक सिंध में पड़ी हुई है, तो आप तो सिंध के नुमाइंदे हैं, आपको पता है असल पोजीशन क्या है, आपको ऐसा कुछ नजर आया कभी के जो है स्टॉक जो है यहाँ पर रखे गए हैं या सर, कोई सर मैं वसाखी की माजरत, जैसे आपने कहा कि सिंध में स्टॉक पड़ा हुआ है, वो स्टॉक अगर आप हमें दिखा देंगे तो मैं आपका एहसान मानूंगा। बिल्कुल, मैं इसीलिए तो आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि जी उनका इल्जाम नहीं, है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कुछ देखा इल्जाम है, देखे, इल्जाम ही करते करते तो वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं और पाकिस्तान को और उसकी आवाम को उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है। झूठ की एक इंतहा होती है, इन्होंने वो इंतहा भी बहुत पार की हुई है। झूठ बोलने पर मैं कुछ भी झूठ बोलता रहूँ कि न्याजी ये न्याजी वो न्याजी फला, लेकिन उसे साबित करना होता है, जो आज तक ये कुछ ना हमारे लीडरान पर कुछ साबित कर सके, ना जो इन्होंने इल्जाम लगाए थे वो साबित कर सके, ना जो ये बातें कर रहे हैं वो ये साबित कर सक रहे हैं। जी, जिस तरह कह रहे थे चौधरी इधर साहब, सखर सिटी से इनका ताल्लुक है और तमाम तर जो है तैयारियों के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे, और हुकूमती वज़राओं की जानिब से जो बयान आ रहे थे उनका भी जो है जवाब दे रहे थे और तफसीली तौर पर जो है तमाम तर चीज़ों के हवाले से बता रहे थे, और तमाम जो चीज़ें उनके हवाले से बता रहे थे कि किस तरह जो है तैयारियाँ की जा रही हैं और तमाम जो है चीज़ों के हवाले से हमें वक्तन फवक्तन गाय बगाय जो है आगे कर रहे थे कि किस तरह तैयारियाँ की जा रही हैं, किस तरह आवाम में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोबिलाइज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये बात तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जो है शानदार माजी रहा है, अगर बात की जाए पाकिस्तान की सियासत में तो एक अहम जो है किरदार अदा किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काफ़ी कुर्बानियाँ जिसके हवाले से हमें आप जो है बता रहे थे चौधरी अजहर साहब, और इस हवाले से जो जद्दोजहद आगे जो की जाएगी हुकूमत की, जो मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ जो जद्दोजहद की जा रही है, जिसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का यही कहना था कि हम आवाम की जमात हैं, आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आम आदमी का जो भी नुकसान उसको पहुँचता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुकसान पहुँचता है, हम उनकी आवाज़ बन के सामने आए हैं, हम उनकी आवाज़ बनकर उभरे हैं और अब उनकी आवाज़ बनकर 27 फरवरी को कराची से लॉन्ग मार्च करेंगे और एक तवील जद्दोजहद होगी और हुकूमत को घर भेजने की जद्दोजहद जो है कर रहे हैं। इस हवाले से मेरे साथ ही एंकर पर्सन दानिश आरई साहब भी मेरे स्टूडियो में मौजूद है। दानिश आरई साहब, कैसे समझते हैं जो जद्दोजहद की जा रही है गाय बगाय, हम भी इस हवाले से बात कर रहे हैं, हमने भी वक्ता फ़ावक्ता दीगर नुमाइंदगान से बात की है, कैसे समझते हैं जो जद्दोजहद की जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से, ये कितनी मुस्बत किरदार अदा करेगी और जिस तरह की जद्दोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है इतना अहम किरदार अदा करेगी पाकिस्तान की जमहूरियत में, क्योंकि जमहूरी हुकूमत है, जमहूरी जो है स्ट्रगल रहा है और एक अहम स्ट्रगल रहा है, तो कैसे समझते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो बैकग्राउंड ही है कि वो जमहूरियत की है, जमहूरी जमात है, जमहूरियत के लिए काम किया, उसने कुर्बानियाँ दी हैं,
कुर्बानियाँ आपके सामने हैं, ऐसी कोई पार्टी है नहीं जिसकी कुर्बानी है आपकी, आपके भुट्टो साहब भुट्टो शहीद जो है उनका बाद में बाकायदा ये कहा गया कि जी आपका मारवाई अदालत जो है उनका वो किया गया है, वो शहीद हुए, बीबी शहीद की शहादत है सबके सामने, हर एक ने देखा है, तो ये सब चीज़ें हैं, हम डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करते हैं सब चीज़ों को, फिर तमाम चीज़ों के हवाले से बता रहे थे, तवील जदोजहद और तवील जदोजहद के साथ साथ कुर्बानियों का भी एक सिलसिला है। इस हवाले से हमें जो है ज्वाइन किया है शकील चौधरी साहब ने, डिप्टी इंफॉर्मेशन जो है सेक्रेटरी हैं कराची डिवीज़न के, बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। बात कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से लॉन्ग मार्च के हवाले से जो है ऐलान किया गया है, तमाम तर तैयारियाँ की जा रही हैं, 27 फरवरी से कराची से लॉन्ग मार्च का बिलखसूस जो है ऐलान किया गया है, कैसे समझते हैं? शहर कायद में हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो जदोजहद की, ये एक मुसलसल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है नज़र आ रही है। अगर बात की जाए बैरिस्टर मुस्तफ़ा की तो वो भी जो है शहर कायद में दीगर पार्क्स की बहाली के लिए मुतारिक नज़र आ रहे हैं, सड़कों को जो है वो उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, शहर की मुतादिद सड़कों की तज़ीन व आराइश तामीर करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानब आप लोगों की जानब से एक कॉल दी गई है, तो एक हमने नारा भी सुना है कि कराची किसका, भुट्टो का, तो भुट्टो के जो जियाले हैं वो कितने ज़्यादा मुतारिक हैं और बिलखसूस शहर कराची से जो पब्लिक है उनका क्या रुझान है, आवाम का क्या रुझान है? मुझे आपने लाइन पे लिया, आप जिस तरह बयान कर रहे थे, ये जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही सिर्फ लॉन्ग मार्च नहीं है, इस मुल्क के ऊपर एक जालिम सिलेक्टेड नाइल क्रेप चोर हुक्मरान मुसल्लत हो गए हैं जिन्होंने महंगाई का एक सैलाब बर्पा कर दिया है, बेरोजगारी इंतहा को पहुंच चुकी है और जहां पूरा मुल्क उससे अफेक्टेड हुआ है वहीं पर कराची के शहरी सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं, चाहे वो रोजगार की सूरत में हो, चाहे वो जो है मुख्तलिफ इशूज हैं जिसके ऊपर वफाकी हुकूमत से सबसे ज्यादा कराची के शहरी नाला हैं, कराची के बिजनेस को नुकसान पहुंचाया गया, इंडस्ट्रीज को गैस नहीं मिल रही है, बिजली मौजूद नहीं है, बेइंतहा मसाइल हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आपने अभी कहा कि कराची भुट्टो का क्लेम करती है, क्लेम नहीं है, ये हमारा दावा नहीं है, हम हैं कराची वाले, बिलावल भुट्टो इसी शहर की पैदाइश है, इसी शहर का अंदर ये पैदाइश हुई है, इसी शहर में वो रहते हैं और इंशाल्लाह ताला 27 फरवरी को यहाँ से लाखों आवाम का हजूम लेकर निकलेंगे बिलावल भुट्टो और इंशाल्लाह ताला इस जालिम और करप्ट और नाहिल हुकूमत का खात्मा करके दम लेंगे और पूरा एलियान कराची भरपूर तरीके से अपने महबूब कायद बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल करेगा मजार कायद पर और उसके साथ इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा। नहीं नहीं बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि शहर कायद के हवाले से जो जदोजहद आप कर रहे हैं मुसलसल, अगर वो जदोजहद की बात की जाए बैरिस्टर मुर्तज़ा की शक्ल में वो जदोजहद है और वो जिस तरह बल्दियाती निज़ाम को संभाल रहे हैं तो वो बिल्कुल उनकी कारकर्दगी को सराहते हैं। अगर बात की जाए कराची में बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बिलावल भुट्टो कराची का बेटा है, इसी तरह मुर्तजा वहाब भी फर्जंदे कराची है और वो कराची की उसकी पैदाइश है, कराची का वो रहने वाला है, वो बनिस्बत दूसरे लोगों के वो कराची के दर्द को ज्यादा अच्छे तरीके से महसूस करता है और उसके लिए कोशा रहता है कि कराची के मसाइल को हत्तुल इम्कान हल किया जाए और उसके लिए वो आप लोग देखते भी है कि मसरूफ अमल है। बिल्कुल मसरूफ अमल है, आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह पर बजाए। अच्छा बात की जाए अगर कराची शहर की तो कराची शहर में दीगर जमातों ने भी एक तवील सियासत की है, आज भी उनका जो है माजी जो है वो काफ़ी असर करता है कराची की सियासत में। अगर बात की जाए वसीम अख्तर साहब की तो उनका एक बयान सामने आया है, उनका बयान ये है तहरीक अदम एतमाद पर इत्तेहादी क्या चाह रहे हैं, अपोजिशन को देखना होगा, तो इस बयान को किस हद तक समझते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है उनकी जानिब से रबते किए जा रहे हैं और हुकूमती इत्तेहादियों के से भी बिलखसूस रबते किए जा रहे हैं, तो हुकूमती इत्तेहादियों से रबते हैं बिलखसूस। ये खैर मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं ये मेरी लीडरशिप ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकेगी कि किसका किससे कितना रबता है, लेकिन मैं वसीम अख्तर का सिर्फ इतना कहूँगा, मुझे तो नहीं पता वो कौन सी वाली एम क्यू एम में है क्योंकि यहाँ तो एम क्यू एम ओ का पता ही नहीं, बादराबाद की बात करें या फैसल ये इतने धड़े बन चुके हैं कि अब हमें पता ही नहीं चलता कि असल एम क्यू एम कौन सी है। अच्छा एक और चीज ऐड करता हूँ मैं, एक और चीज ऐड करता हूँ, आपने बिल्कुल अभी 6 महीने पहले तक वो कराची के सुल्तान थे
और अपने पूरे चार साल में वो इख्तियारात का रोना रोते रहे, काम नहीं किया। कराची को जो है उन्होंने गंदगी का ढेर बना लिया, कराची की सड़कें उन्होंने बर्बाद कर दी। छह महीने का अरसा नहीं गुजरा है कि उनका दौर खत्म हुआ है, उसके बाद मुर्तजा वहाब ने चार्ज लिया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुर्तजा वहाब कराची की किसी सड़क के ऊपर इख्तियारात का रोना रोते नजर नहीं आते। ये नियतों की बात होती है, उनकी नियतों में नहीं था कराची की खिदमत करना। मुर्तजा वहाब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नीयत में है कि कराची हमारा है, हम ओन करते हैं, हम कराची की खिदमत करना चाहते हैं। नहीं नहीं, उस हवाले से बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के वाजे जो बयान भी सामने आया कि उन्होंने कहा कि शहर कराची में मेरे पास भी वही इख्तियारात हैं जो इख्तियारात आज से पहले के जो है मेयर के पास थे। जी जी बिल्कुल, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त। और हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी किस तरह शहर कराची में और पूरे सूबे में जिस तरह मुतारिक हुई है, लाड़काने में भी मुतारिक हुई है, और अब होगा लाड़काना साफ, दीगर जो है मुहिमें चला जो है हो रही हैं उसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है और हुकूमत की मौजूदा पॉलिसीज़ के खिलाफ भी जो है काफ़ी ज़्यादा मुतारिक है। अच्छा, एक और जो है इत्तला मिली है कि आने वाले कुछ दिनों में पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमतों में भी इजाफा होने वाला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद उन दिनों एहतजाज पर होगी जब पेट्रोल और दीगर जो पेट्रोली मस्तूआत उनकी कीमतों में इजाफा होगा। जी हमारा तो एहतजाज इसी चीज पर है, हमारा एहतजाज उनकी बैड गवर्नेंस पर है। हमारा एहतजाज जो है इस महंगाई पर है, ये जो पेट्रोल की कीमतें बार बार बढ़ा रहे हैं, हमारा एहतजाज इसके ऊपर है। हमारा एहतजाज पाकिस्तान के अवाम आज नाने शबीना से महरूम हो गए, हमारा एहतजाज गैस की बंदिश के ऊपर है, हमारा एहतजाज उन्हीं तमाम इश्यूज पर है जो पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को दरपेश है। उन्हीं इश्यूज को लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से निकल रहे हैं लॉन्ग मार्च की क्यादत करते हुए। अच्छा, इस हवाले से जो वफाकी वजीर हैं फवाद चौधरी साहब, उनका बयान सामने आया है, क्योंकि आप लोग एहतजाज कर रहे हैं तो एक जानब हम ये भी देख रहे हैं हुकूमती बुजुर्गों के बयान भी सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं मईशियत खराब करने वाले कहते हैं महंगाई हुई है, तो वो इस पर बिल्कुल जो है सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप लोगों पर कि जो दीगर हुकूमतें थीं उनसे पहले उन्होंने मईशियत को ख़राब किया है, उसको नुकसान पहुंचा है। तो इस बयान को कहां तक आप जो है समझते मैं, हैं जी, मैं जी। मैं आप मेरे प्यारे भाई हैं, मैं उन तजिया निगारों पर हैरत होती है मुझे जो ये बात उनकी बात को रिपीट करते हैं। चार साल बाद भी वो पिछली हुकूमतों को मोर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे? सर आप अपना बताएं, आज चौथा साल आपका एंड होने जा रहा है, आपने क्या किया? छोड़ें पिछले तो सब गलत थे, आप कितने साहूकार है, आपने आवाम को कितनी सहूलतें पहुंचाई, आपने महंगाई का जिन कितना, आपने तो महंगाई का जिन जो है वो बल्कि सुनामी ले आए महंगाई की। आपने तो इस मुल्क के अंदर बर्बादी और तबाही कर दी, आपको शर्म नहीं आती? आप जो है अब भी चौथा साल इख्तदाम की जानिब गामजन है और आप सबका हुकूमतों को मोर इल्जाम ठहरा रहे? बिल्कुल ठीक है आपने के चलें जिस तरह की कारकर्दगी अब कारकर्दगी ऐसे कारकर्दगी जाने का वक्त इनका जाने का वक्त आ चुका है। इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी लाखों आदमी का जलूस लेकर लॉन्ग मार्च लेकर जब कराची से निकलेंगे और जब वो कमू शहीद पर उबालो बॉर्डर से पंजाब में दाखिल होगा तो वो एक समुंदर बन चुका होगा। और इंशाल्लाह ये कामिल यकीन है हमें कि जब वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होगा तो पूरे मुल्क के आवाम उसमें शामिल हो चुके होंगे और इस्लामाबाद में तल धरने की जगह नहीं होगी और इंशाल्लाह इस हुकूमत का खात्मा करके हम वापस आएंगे। अच्छा, एक जानब हम देख रहे हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारियां की जा रही है, भरपूर तैयारियां की जा रही हैं, कराची के जो शहरी हैं वो कितने पुरजोश हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि आपको कराची शहर के हर सड़क के ऊपर पार्टी की मोबिलाइजेशन नजर आ रही है, बैनर पेनाफ्लेक्स लोग खुद हिस्सा ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी के मैसेज को, पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम को लोगों ने हाथों हाथ लिया क्योंकि इस हकूमत से अवाम नाला है, अवाम इस हकूमत से छुटकारा चाहते हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की आवाज बन रही है। ठीक है शकील साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सवाल ये है कि आप जो है आपके पास एक होता है, आप डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कराची के हैं, कराची में आपने मोबिलाइजेशन के लिए क्या वर्किंग की है, कितना वर्क किया है, क्या एक्सपेक्टेड है कि आप कितने लोग लेके निकलेंगे कारकुनान के अलावा, आपके पास आपने उन गरीब आवाम के लिए क्या सहूलियात मैसर कर रहे हैं कि वो आपके साथ चलें? हमारा दानिश रानी साहब, हमारा जो मैसेज है वो आवाम के लिए था और के इस जालिम और करप्ट हुकूमत का खात्मा आवाम चाहती है, महंगाई बेरोजगारी से निजात चाहती है। ये रोज़ बरोज जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, गैस देखने को भी दस्तयाब नहीं है,
इन तमाम इश्यूज को पीपल्स पार्टी ने हाईलाइट किया है और हमारी कंपेन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पार्टी के एक छोटे से अदना कारकुन की हैसियत से आपको बता दूं, हमारी मोबिलाइजेशन बहुत अच्छी जा रही है। हम जो है वो मरकज से स्टार्ट हुए और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ग्रास रूट पर चले गए हैं। हमारी यूसीज के अंदर मीटिंगें हो रही हैं, हमारी वार्डों के अंदर मीटिंगें हो रही हैं। हम कराची का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स मोबिलाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहे। आपको कराची के हर मोहल्ले में, हर यूनियन काउंसिल में, हर इलाके में सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ नफरत मबनी बैनर नजर आएंगे। आपको बिलावल भुट्टो जरदारी की तकाजी नजर आएंगी। हमारी मोबिलाइजेशन बहुत अच्छी है। जो आवाम है, जो आवाम आपकी कारकुनान के अलावा पीपल्स पार्टी के या नून लीग या किसी के भी अलावा, आपकी जो आवाम है, हमारी जो पाकिस्तान की आवाम है, कराची की आवाम है, ये दूसरे तबकात जो हैं वो इस लॉन्ग मार्च को कैसे देख रहे हैं? वो आपके साथ शमूलियत के लिए शामिल हो आ रहे हैं आपके पास, या ये सिर्फ पार्टी के तरफ से ही हो रहा है और पार्टी के वर्कर्स ही जाएंगे? नहीं दानिश साहब, आपको आपकी इतला के लिए मैंने अभी रिपीट हो जाएगा मेरा जुमला, मैं फिर भी कह दूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी आवाम की आवाज़ बने। ये जिन इश्यूज पर हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इश्यूज नहीं है, इस मुल्क के आवाम के इश्यूज हैं। इस मुल्क के आवाम इन हुक्मरानों से नाला है और हम हमारे तंजीमी तौर पर जितने लोग होंगे, मैं मुझे कोई इम्कान है कि उससे कई गुना ज्यादा कराची के शहरी होंगे उस जुलूस में। एक अंदाजन आपने क्या एक्सपेक्ट किया है कि कराची जो है उससे आप कितना एक जम्मे गफीर, क्योंकि स्टार्ट है आपका जो ऐलान किया गया है रूट का, कि जी नुमाइश फिरंगी कायद आजम के मज़ार के सामने से, तो कितने लोग आपके साथ वहाँ से शामिल हो रहे हैं, जो एक अंदाज़ा होगा, क्योंकि आप जिस लेवल पे हैं और जो आपके पास पार्टी की ओहदा है उस हिसाब से आपको एक आइडिया होगा? बिल्कुल आइडिया बिल्कुल है और हमें अंदाजा है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, मैं फिगर दिए बगैर ये बताऊँगा, कराची का तारीखी जो है वो जुलूस होगा, तारीखी जुलूस होगा। इससे पहले भी बड़े यहाँ पर एहतजाज हुए, लेकिन ये लॉन्ग मार्च जो सेंट्रल कराची से, कराची के वस्त से स्टार्ट हो रहा है, ये एक तारीखी मार्च साबित होगा और इसके अंदर मुझे कोई इम्कान है इसमें लाखों अफराद कराची के शरीक होंगे। बशमूल पार्टी के कारकुनान मार्च पहले भी हुए हैं बकौल फवाद चौधरी के बयान के, कि 7 बार जो है इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन जमा हो गई है। तो आप इस स्पेसिफिक ये जो लॉन्ग मार्च 27 फरवरी को हो रहा है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के ऐलान पे, तो इसको क्या देखते हैं कि किस हद तक कामयाबी की तरफ जा रहे हैं? हम सबसे पहले जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। इस मुल्क के अंदर जो जमहूरियत है, इसके लिए हमारी लीडरशिप ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जानें कुर्बान की हैं। हम जमहूरियत को डीरेल नहीं करना चाहते, लेकिन हम अपने आवाम को लावारिस भी नहीं छोड़ना चाहते। हम अपने मुल्क के आवाम की आवाज़ बनकर इनके खिलाफ निकल रहे हैं, इनके जालमाना इकदाम के खिलाफ, इनकी महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन के खिलाफ, जो इस मुल्क का बच्चा बच्चा ये कह रहा है रोटी कपड़ा और मकान छीन रहा है इमरान खान, उसको हम रोकने के लिए, आवाम का रोटी कपड़ा और मकान जो इमरान खान छीन रहा है उसको रोकने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और अपने उस नारे को अमली जामा पहनाने के लिए अपनी जदोजहद कर रहे हैं। मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो सूरत हाल है मुल्क की, मौजूदा सूरत हाल में हर शहरी जो है रोटी कपड़ा और मकान से महरूम होता जा रहा है। मुल्क में जो महंगाई की शरह है उसमें इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही नारा था जो दीगर जमातें अपने जो है सियासी इंतखाबात के वक्त लगाते आ रही हैं, रोटी कपड़ा और मकान, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मगर जो सूरत हाल है, अगर इमरान खान और इनकी मौजूदा हुकूमत को, क्योंकि आप लोगों की जानिब से ये बातें सामने आ रही हैं कि घर भेजने में कामयाब साबित हो जाएंगे, अगर साबित हो जाते हैं तो फिर कई अफराद हैं और कई जो है लोग हैं जिनको रोटी कपड़ा और मकान फराहम करना होगा, और बेरोज़गारी की शरह में भी इजाफा है, महंगाई की भी शरह में इजाफा है, काफ़ी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी, क्योंकि मुल्क का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। तो वो तमाम चीज़ों के हवाले से तैयारियां की गई हैं, क्योंकि एक जानब लॉन्ग मार्च की तो तैयारियां की गई हैं, इसके बाद मुल्क की जो बिगड़ा हुआ ढांचा है उसको सुधारने के लिए भी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो क्या उस हवाले से भी तैयारियाँ मुकम्मल हैं?
सर आपको एक बात मैं गुस्ताखी की माफ़ी चाहूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब जब भी इख्तदार मिला है तो उसको एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान नहीं दिया गया। चाहे 70s में अगर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में देख ले, चाहे 88 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर देख ले, चाहे 2008 में आसिफ अली जरदारी को जब पाकिस्तान का झंडा स्वात में लहराना जुर्म बना दिया गया था, उस हालात में पाकिस्तान मिला जब दहशतगर्दी अपने उरूज पे थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान की सर्वाइवल की लड़ाई लड़ी है, पाकिस्तान की बालादस्ती की लड़ाई लड़ी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने चाहे वो 15 महीने का इख्तदार था, 4 साल का था, 3 साल का था, या आसिफ अली जरदारी साहब का 5 साल का था, हम जब इख्तदार छोड़ के गए हैं तो हमने एक मुस्तकम पाकिस्तान दिया आने वालों को। जी बिल्कुल, तमाम चीज़ों के हवाले से तमाम मौरखात पर जो है हम बात कर रहे थे। शकील चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, कराची डिवीजन से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का, तमाम चीज़ों के हवाले से बता रहे थे कि किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है मुल्क में जो मौजूदा सूरत हाल है उसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से जो है ऐलान किया गया है लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं, 27 फरवरी को जो है लॉन्ग मार्च के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है मुतारिक हो गई है एक बार फिर से, और तमाम चीज़ों के हवाले से अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तैयारियां मुकम्मल हैं, यही बताना था शकील चौधरी साहब का। यूँ कराची से इनका ताल्लुक़ है, डिप्टी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन कराची डिवीजन है, और तमाम चीज़ों के हवाले से हमें बता रहे थे, गाय बगाय आगाह कर रहे थे कि क्या तैयारियाँ की गई हैं और किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है मुल्क में मौजूदा सूरत हाल के ख़िलाफ़ जदोजहद करेगी, और ये एक तवील जदोजहद होगी जिसमें अवाम जो है, इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है, अवाम जो है हमारी सिपाही है और ये जो जंग हम लड़ रहे हैं ये अवाम के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान को बचाने निकले हैं। अपने मेज़बान ताबिश मीर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।